हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये पायदान साड़ी की चोटी बनाकर और स्वेटर वाले ऊन से बनाया गया है, बहुत ही कम समय में एंड बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 6-6 इंच की 3 पट्टियों से चोटी बनाया गया है और इस चोटी की लंबाई 6 मीटर है और जो हम डोरमेट बनाए हैं ना, वो 3 मीटर चोटी में बनाए हैं। स्वेटर बनाने वाला ऊन ले लेंगे और इसको ना हम निकाल लेंगे। इसकी लंबाई लगभग हम 8 मीटर निकालेंगे इस तरह से। जब ये 8 मीटर हो जाए तो इसको हम कट कर लेंगे और इसको हम डबल कर लेंगे। डबल करके एक बराबर कर लेंगे। इस तरह से हम इसको एक बराबर कर लेंगे और इसके बाद ना एक बार और हम इसको लपेटेंगे। इस तरह से हम इसको लपेट लेंगे एक बार और ना इसका जो बंद साइड है, इस साइड हम सेफ्टी पिन लगाएंगे। सेफ्टी पिन को एक बार घुमाकर लगाना है ताकि सेफ्टी पिन इधर उधर ना सरके और इसके दूसरे साइड से चोटी में 2 नोट्स लगा लेंगे। नोट्स लगाने के बाद अब हम इसमें फंदे बनाएंगे। सेफ्टी पिन को ऊन के अंदर से ही निकालना है। देखिए इस तरह से ऊन के अंदर से निकालने से एक नोट्स बन जाएगा। तो इस तरह से ऊन के अंदर से निकालते हुए फंदे बनाएंगे। तो इस तरह से फंदे बनाते हुए हम 25 फंदे बनाएंगे। अब देखिए इस तरह से हम इसको एक रिंग आकार बना लेंगे इस तरह से। और इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर हम 3 फंदे बनाएंगे, देखिए इस तरह से। और इस बार भी ना हम सेफ्टी पिन को ऊन के अंदर से ही निकाल लेंगे ताकि एक नोट्स बनता जाए। और इसके बाद देखिए इस फंदे में से हम 2 फंदा बनाएंगे। एक फंदे में से 2 फंदा बनाएंगे और फिर उसके बगल वाले फंदे में से भी हम 2 फंदा बनाएंगे। तो एक जगह पे 4 फंदा बनाना है, 2 फंदे में से 4 फंदा बनाना है। फिर यहाँ पर ना 2 फंदे छोड़ देंगे हम, जैसा कि 2 फंदे में हम बनाए हैं तो फिर हम यहाँ पर 2 फंदा छोड़ देंगे। 2 फंदा छोड़ने के बाद फिर तीसरे वाले फंदे में से 2 फंदे बनाएंगे और फिर उसके बगल वाले फंदे में से भी 2 फंदे बनाएंगे। तो यहाँ पर अभी 3 ही फंदा बनाए हैं, उनको जोड़ लेते हैं। इसका जो खुला भाग है उस साइड से हम लेंगे और उनमें से निकाल कर एक नोट्स लगा लेंगे। और इसका जो बंद साइड है उस साइड हम सेफ्टी पिन को लगा लेंगे। सेफ्टी पिन को एक बार घुमाकर लगाना है और फिर यहाँ पर हम फंदे बना रहे हैं। तो इस तरह से 4 फंदे बनाने हैं। तो इस तरह से ये लाइन तैयार करेंगे। अब इस लाइन में देखिए जो खाली जगह है वहीं पर हम फंदे बनाएंगे। तो यहाँ पर ना जितना जगह है ना उस हिसाब से हम फंदे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 6 फंदे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम 6 फंदे बनाए हैं और इसके बगल में भी यहाँ भी हम 6 फंदे बनाएंगे। तो इस तरह से ये लाइन तैयार करेंगे।
देखिए, अब इस लाइन में भी जो खाली जगह है वहीं पर हम फंदे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम जो खाली जगह है यहाँ पर 7 फंदे बनाएंगे। इस तरह से ये लाइन तैयार करेंगे। अब इस लाइन में देखिए, यहाँ पर ना हम 10 फंदे बनाएंगे। वॉइस ओवर हम बाद में कर रहे हैं, पहले हम बना चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर ना हम 10 फंदे बनाएंगे। तो जिस हिसाब से जगह हो ना उस हिसाब से फंदे बनाने हैं। तो इस तरह से आपको जितना बड़ा बनाना हो आप बना सकते हैं। फंदे को बढ़ाते हुए आपको जितना बड़ा बनाना हो आप बना सकते हैं। तो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।